एंड रही बात आज के दुनिया में, अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स में आपको करियर बनाना है आपका, गेमिंग के पहले वाला जोनाथन का ऐसा था कि उसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। मतलब जब भी वो स्कूल या किधर भी जाता था, उसको सिर्फ वो टाइम चाहिए था कि वो स्पोर्ट्स खेले, लाइक फुटबॉल वगैरह उसको बहुत पसंद था। जब भी मैं खेलने जाता था, मुझे लिया नहीं जाता था वो टाइम पे कि अरे यार ये तो अच्छा नहीं खेलता है, ये नहीं, छोटा है, ये इसको मत लो वगैरह। सो मुझे वो टाइम पे लिटरली बहुत हर्ट होता था, क्योंकि जो मुझे पसंद था मुझे अलाउ नहीं करते थे साथ में खेलने के लिए। सो लिटरली यार हर्ट होता था। बट अभी ऐसा सीन है कि अभी जो लोग मुझे स्टार्टिंग में बोलते थे कि नहीं मत आ, वही लोग आके बोलते कि चलो साथ में खेलते जाओ, नहीं आ जाओ ब्रो। तो स्टार्टिंग में जब मैं जस्ट आया था वो फेज में, तो लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई ये तो क्लासिक प्लेयर है यार, ये क्या करेगा स्पोर्ट्स में, इसका बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। तो मुझे लिटरली यार वो चीज़ बहुत हर्ट भी करी थी जब मैं वो टाइम पे आई गए छोटा था, 16-17 साल का था मैं वो टाइम पे। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी थी कि लोग मुझे बोल रहे क्लासिक प्लेयर ये क्या करेगा। बट मैंने वो दिमाग में बिल्कुल नहीं रखा कि ये सब लोग बोलते हैं, बट मैंने जस्ट उनको साइड में किया एंड मेरा जो गोल है उस पर ही पूरा फोकस किया एंड जस्ट आगे बढ़ता गया। लोग ऐसा फेज आ गया था कि मैंने स्मोक में बहुत गंदा मार दिया था, टूर्नामेंट था कौन सा, तो एंड स्मोक बहुत सारे स्मोक थे उसमें मैंने क्लच कर दिया था वो स्मोक के अंदर। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये बंदा लेजिट है। तो वहाँ से ही लोग बोलने लगे कि अरे ये तो हैकर है, इसको बैन कराओ। एंड लोगों ने फिर बाद में मुझे ऑफिशियल्स को भी बोला गया कि इसके इस पे देखो, ध्यान रखना, इस पे कुछ तो है, हैक कर रहा है या कुछ कर रहा है, बट ध्यान रखना इस पे। थोड़ा ये भी हो गया था कि अबे यार क्या बोल रहे यार लोग, हैकर वैकर बोल रहे हैं मेरे को। फिर बाद में मैं सोचा कि भाई मैं खुद ही सोचा कि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ कि लोग मुझे हैकर बोल रहे हैं। रही बात आज के दुनिया में, अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स में आपको करियर बनाना है आपका, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ हो चुका है कंपटीशन, क्योंकि कितने सारे स्पोर्ट्स एथलीट ग्राइंड कर रहे हैं ताकि अपना बेस्ट देके सेम एज करियर बनाए। तो बोल सकते कि आज के दुनिया में ये थोड़ा सा टफ हो चुका है। एंड रही बात अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको समझाए कि ई स्पोर्ट्स क्या होता है ये, ताकि उनको भी समझ पाए कि ई स्पोर्ट्स ओके ये है। तो सिंपल चीज़ है, जितने भी टॉप लेवल के प्लेयर्स है, स्ट्रीमर्स है, उनके स्ट्रीम्स दिखाओ, बताओ उनको, देखो आज जो है वो लोग देखो ऐसा है, करियर बन चुका है उनका, ताकि उनको भी समझ आए ई स्पोर्ट्स ओके है ऐसा। तो आज के वर्ल्ड में आप बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को एडुकेट करें ई स्पोर्ट्स क्या है, ताकि उन्हें भी समझे कि ओके इसमें कर सकते कुछ, ताकि अपने बेटे को कुछ फ्री खेलने दो जो भी। इट्स टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल।